आगरा में पुलिस और 50,000 के इनामी बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बैंक डकैती में शामिल बदमाश। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, साथ ही बदमाश की गोली से एक भी सिपाही घायल हो गया। बदमाश का साथी फरार। बदमाश से तमंचा, बाइक और 6,00,000 की नकदी बरामद। बदमाशों ने इंडियन ओवरसीज बैंक में डाली थी डकैती। मुठभेड़ सर हुई है रोहतास क्षेत्र में, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, पिछले माह थाना सदर बाजार के रोहतास क्षेत्र के एक बैंक में डकैती पड़ी थी, जिसके अनावरण करते हुए जो मुख्य 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक अभियुक्त बंटी, जो 50,000 का इनामी भी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें बनी हुई थी। SPCT, CO सदर और क्राइम ब्रांच की टीम, थाना सदर की टीम लगी हुई थी। आज हमें उस 50,000 के इनामी अपराधी बंटी के साथ पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी बंटी घायल हुआ है। उसे मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, अवैध असलहे और बैग में लूटे गए पैसे बरामद किए गए हैं। पैसे की गिनती की जा रही है, तकरीबन 6,00,000 के आसपास बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त भागने में यहां से फरार हो गया, जिसकी घेराबंदी के लिए टीमों को बता दिया गया है। कुल इस घटना में कुल 6 अभियुक्त मुख्य रूप से शामिल थे, ये 6ठा अभियुक्त है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद, इससे पूछताछ के बाद, जो अन्य पैसे हैं और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है, उसकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। घटनाक्रम सर क्या रहा, पूरा किस तरीके से पुलिस ने रोका, क्या हुआ घटनाक्रम? देखिए, ये थाना सदर का रोहता गढ़ी गांव है और हमारी टीम जो है रोहता चौराहे के पास चेकिंग के लिए लगी हुई थी। वहां से बदमाश के आने की सूचना थी, उस पर घेराबंदी की गई और इस तरफ भागने के बाद अपराधी ने जब फायरिंग शुरू की, जवाबी हमले में अपराधी को गोली लगी, वो घायल हुआ है। तत्काल जो है उसको ओवरपावर करते हुए इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इस दौरान हमारे एक सिपाही भी घायल हुए हैं, उसको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। और फिर यहाँ जो घटनास्थल पर मोटरसाइकिल, असलहे और बैग प्राप्त हुए हैं, उसकी छानबीन की जा रही है। फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया जा रहा है और हमारी अन्य टीमें जो हैं वो दूसरे अभियुक्त जो फरार हुआ है, उसकी घेराबंदी के लिए लगा दी गई है।